देवी देवताओं का मुख है, क्योंकि अग्नि में जो हम आहुत करते हैं सीधा वो देव ग्रहण करते हैं उसमें। इसीलिए शास्त्र में यज्ञ की बहुत प्रशंसा की गई है। इसी तरह से ऋषियों ने जो यज्ञ का विधान किया है, यज्ञ के अंदर जो कुछ भी हम डालते हैं वह इस वातावरण के लिए कई गुणित होकर के वह हमको वापस मिल जाता है, यानी देव भक्षण करके भी वह हमको वापस दे जाते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ जन्म होने से लेकर के मृत्यु पर्यंत जो 16 यज्ञों का जो विधान किया गया है, प्रत्येक कार्य में यज्ञ की महत्ता थी। पूरे देश को सनातन वैदिक धर्म और संस्कृति को जोड़ने का सबसे बड़ा साधन यज्ञ की परंपरा है। इस यज्ञ की परंपरा में जब हम दीक्षित होते हैं तो भगवान की कृपा हमको अवश्य मिलती है।